एक्सक्यूज मी, इस गाड़ी का मालिक कहाँ है? शी, दूर होके बात कर, खुद तो गंदा है और मुझे भी गंदा कर देगा। अरे इससे पूछने से अच्छा है मैं उसे खुद ही कॉल कर लेती हूँ। चल ला यार फोन दियो। हेलो। हेलो बेबी, आज हम मिलने वाले थे ना, और आज हमारी पहली डेट भी थी। जो आपने लोकेशन दी थी ना, मैं लोकेशन पे आ गई हूँ। आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा लेट आओगे क्या? अरे बेबी मैं तो कब का आ चुका हूँ, अभी तो हम मिले थे पर तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। आ चुके हो क्या मतलब? देख वर्षा, ये वही लड़का है जिससे तू फोन पे बात कर रही है। क्या, ये वही लड़का है धीरज, डेटिंग ऐप वाला? पर इसने तो कहा था कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत अमीर है, इसकी हालत तो देख। मुझे नहीं करनी इससे कोई बात बात, तू घर चल। देख वर्षा, हम दोनों इतनी दूर से यहाँ इससे मिले हैं, एक बार मिल तो ले, क्या पता अच्छा लड़का हो। तुझे पता है इसने मुझसे कितना झूठ बोला था कि इसके पास बंगला है, गाड़ी है और बहुत बड़ा बिजनेस है? इसकी हालत देख के तो लगता है इसके पास अपना घर भी नहीं होगा। पर इसने ना मुझसे झूठ बोलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तू देख, मैं इसे बताती हूँ मेरा टाइम वेस्ट करने का क्या अंजाम होता है। क्या कहा था तुमने मुझसे? तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं। अरे कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम ना एक मामूली से मैकेनिक हो। मैं तुमसे इतनी दूर से मिलने आई और तुमने क्या किया, मुझे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया। तुम जैसे लड़के को ना मैं कभी डेट नहीं करूंगी। ये बात ना अपने दिमाग में घुसा लो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड बिल्कुल भी मैच नहीं करता। और आज के बाद ना अपनी ये गंदी सी शक्ल मुझे मत दिखाना। जा रही हूं मैं, चल वर्णी का। अरे सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। पर आप ये वाली गाड़ी क्यों लेकर आए? मैंने आपसे बोला था ना कि ये गाड़ी सर्विस पे जानी है। अरे कुछ नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैंने सोचा ये वाली गाड़ी लेके चलता हूँ। सर आपने अपनी क्या हालत बना ली है, हमारे होते हुए आप ये सब काम करोगे तो अच्छा थोड़ा ही ना लगेगा। अरे कुछ नहीं, मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा खुद ही ठीक कर लेता हूँ। वैसे ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है अभी ये। ठीक है सर, जितना हो गया उसे आप यहीं छोड़ दीजिए। आप एक काम कीजिए, मैं दूसरी गाड़ी लाया हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। गाड़ी को मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। ओ हेलो, तुम इसे सर क्यों बोल रहे हो? अरे सर को सर ना बोले तो क्या बोले, हमारे बॉस हैं। पर ये तो मामूली सा मैकेनिक है ना, तुम्हारा सर कैसे हो गया ये? अरे मैडम पागल हो गई हो क्या आप? पता है कौन है, कितनी कंपनियां हैं इनकी, कितने बड़े आदमी हैं, कितने लोग इनके लिए काम करते हैं, और आप होगी इनके साथ बदतमीजी से बात कर रही हो। यार तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, वो मुझे ना छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर अब सब क्लियर हो गया है। और गुस्से में आके जो भी मैंने तुमसे कहा उसके लिए सॉरी। तुम नाराज तो नहीं हो ना? नाराज वर्षा, जब तुम्हें लगा कि मैं एक छोटा सा मैकेनिक हूँ तो तुमने मुझे पता नहीं क्या क्या सुना दिया, और जब तुम्हें सच पता चला कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो तुम्हें एकदम से मुझे प्यार भी हो गया। और अब मुझे पता चल चुका है कि तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, तुम्हें तो मेरे पैसों से प्यार था। और मैं तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें जानने के लिए आया था, और मैं अच्छे से जान भी चुका हूँ कि तुम जैसी लड़की ना कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। वर्षा जो तुम्हारी सोच है ना, अगर यही सोच तुम्हारी जिंदगी भर रही ना तो तुम कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकती। तुम्हें एक पैसे वाला लड़का चाहिए ना वर्षा, उससे पहले है ना तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, वरना तुम जैसी लड़की को ना कभी कोई पसंद नहीं करेगा। और ये तुम्हारी जो हरकत है ना मुझे भी पसंद नहीं आई, तो इसलिए तुम जाओ कोई अच्छा पैसे वाला लड़का ढूंढो। चलिए सर। Thank you.